एमपी के राजगढ़ में अवैध शराब कारोबारियों एवं उनके अवैध ठिकानों पर जिला पुलिस की तीखी नजर के चलते आज जिले के ग्राम छोटा बैरसिया में आपराधिक कंजर डेरा में एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसके तहत अवैध शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी तारतम्य में आज दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मन कामना प्रसाद एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नरसिंहगढ़ श्री भारतेंदु शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के नरसिंहगढ़ अनुभाग के थाना नरसिंहगढ़, थाना कुरावर, थाना बोडा, थाना मलावर क्षेत्र के पुलिस बल की मौजूदगी में ग्राम छोटा बैरसिया कंडर डेरा में कार्यवाही की गई। आज सुबह मुखिया से सूचना मिली थी कि नई दिल्ली में एक घर में अवैध शराब रखी हुई है। उक्त सूचना से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अनुभागीय अधिकारी महोदय नरसिंहगढ़ को अवगत कराया गया था। उनके मार्गदर्शन में आज नई दिल्ली में एक व्यक्ति घर पर दबिश दी, जहाँ से अभी 27 पेटी देसी मदिरा प्लान की और 60 लीटर के आसपास ओपी और करीबन 130 लीटर के आसपास महुआ की कच्ची शराब और बनाने की सामग्री यूरिया और गुड़ ये सब मिला हुआ है। कितनी कीमत होगी सर? इसकी कीमत अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख के आसपास है इसकी कीमत अभी। क्या आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है? आरोपी भी गिरफ्तार नहीं है, जिन घर से मिली है उन घर को चिन्हित किया जा रहा है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।